वो भी कहा में सब कलेले चल जाता सर पाँच सौ रुपया रहता दे देते दे, 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 दे कहता था ना तू कम आए थे भाई तू तो कहते हम कर ट्यूशन पढ़ा के तू चाचा तू चाची तो माई बात कैसे कैसे कर सर इंजीनियर बना था सर कौन मत पर चला गया पुलिस में हमने कोई गले कहा था कितना जा रहे ये सर, सर। देखिए तीन अभ्यर्थियों की मौत पलामू में हुई है जिसमें एक छतरपुर के थे रहने वाले नाम अरुण कुमार है इस वक्त हम उनके गांव में मौजूद हैं यही उनका घर है उनकी मौत हो गई है बेहद गरीब परिवार है उनके घर के लोग हमारे साथ हैं घर में मातम पसरा हुआ है चीख पुकार मची हुई है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है उनके ये भाई हैं ये उनके पिताजी हैं वो टोटल तीन भाई थे तो अब एक तो नहीं रहे हम परिवार वालों से बात करेंगे अरुण कुमार आपके बेटे थे जी हाँ हमारे बेटा अरुण कुमार थे सर बहुत दुखद घटना हुई है कब गए थे यहाँ से पलामू उस ग्राउंड में दौड़ के लिए अट्ठाईस तारीख हो गए घटना कब हुई अट्ठाईस कल घटना से... अच्छा हुआ क्या था हुआ था कि वो दौड़ में हम लोग जाने भी नहीं हम लोग जानते तो नहीं जाने देते दौड़ में वो दौड़ लायक नहीं था पुलिस लायक नहीं था वो समझिए कि एक सिरमौर था हमारे गांव का प्रखंड का है लेकिन अब वो चला गया रांची से और आ कर के दौड़ गया वही बहाना हुआ वहाँ से लोग एम्बुलेंस से सदर हॉस्पिटल ले गए सदर हॉस्पिटल में कोई उपाय नहीं हुआ भेज दिया ये रोहित पांडे के यहाँ अब रोहित पांडे इलाज उसको किए इलाज के दौरान ठीक ठाक रहा हम भी बात करके रात में आए प्रेम से बोला बाजी हम बहुत ठीक हैं घबराइए नहीं दूसरा जिस दिन आए उस नाइट में वो जो है से क्या प्लाज्मा होता है कि क्या होता है अपना पैसा बनाने के लिए वो जो है सो ऐसा किया था कि वो भी सोचा होगा कि पैसवा तो बन जाएगा ये थोड़ा सा ढिसमिस हो जाएगा तो लेकिन उनका अब वो डॉक्टर थे कि कहाँ थे कि डांगर थे हमको पता नहीं वो जो है पलाजमा चढ़ा दिए और हमारा बेटा के 12 बजे के बाद जो है हालत बिगड़ने लगा और चार पाँच बजते बजते कब हम तो घर आ गए थे ये बेटा लोग वहाँ था और हमको सूचना मिला सात बजे कि बाबू नहीं है मतलब इलाज ठीक से नहीं हो पाया हाँ इलाज ठीक से नहीं हुआ जहाँ पे ग्राउंड है वहाँ पे भी मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी कि आप लोगों को सोचना कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है जो ग्राउंड में जहाँ दौड़ हो रहा था वहा कोई मेडिकल व्यवस्था कुछ नहीं था ये जो है से सला सेंट्रल पुलिस वाले को डेढ़ किलोमीटर दौड़ाया जाता है अब ये क्या उत्पाद की कौचि है उत्पाद में दस किलोमीटर एक घंटे में एक घंटे में अभी जमीन समतल नहीं है जमीन समतल नहीं है हवाई अड्डा अब सोच सोचा जा सकता है कि हवाई अड्डा कैसे कैसा रहता है अब आपने अपने बेटे को खो दिया सरकारी नौकरी का उसने सपना देखा तब आप क्या चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि इस सरकार हमारा तो लुटा गया अब तो कोई उपाय नहीं है उसका लाने का लेकिन सरकार उसकी व्यवस्था बनावे ऐसा नहीं करे परिवार तो को सरकारी नौकरी मिले मुआवजा मिले सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा मिले ये आप चाहते हैं जी कई बच्चे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं बहुत बीमार हो गए हैं बहुत बीमार हो गए हैं हमारे बच्चे के रोजगार के नाम पर मौत बांटी जा रही है आपके नज़र में जी हाँ यही तो है रोजगार का समस्या को गरीब को समस्या को निदान होगा

आपके नज़र में कितने लोगों की कि मौत हुई है क्या सूचना मिली है हमको तो न, हमारे लड़के के बाद जो एडमिट हुआ यहाँ वो जो है वो शायद जाते, जाते जाते रास्ता में उसको भी प्लाज्मा दिया होगा या क्या किया और उसको भी जो है जाते जाते का तो मौत हो गई अगर मेडिकल व्यवस्था रहती ग्राउंड पर तो शायद आपके बच्चे की ये स्थिति नहीं जरूर ना ये नहीं होता अगर ग्राउंड में अगर मेडिकल व्यवस्था होती तो बच्चा हमारा नहीं जाता